महाविनाशनी, यह है सत्य समर्पण पहाड़ की खाई। यहाँ आप तीनों को सच्चाई और अच्छाई की परीक्षा से गुजरना होगा। आपको उस पहाड़ से इस पहाड़ तक आना होगा, वो भी हवा में चलकर। याद रहे महाविनाशनी, यहाँ आप अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। महाविनाशनी, एक और बात याद रखना, अगर अब भी तुम में बुराई का एक भी कण बाकी है तो तुम इस खाई में गिर जाओगी। अरे, मुझे चक्कर नीचे देखकर महाविनाशनी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। रानी परी, महाविनाशनी के चेहरे का डर बता रहा है वो इस परीक्षा में खरी नहीं उतर पाएगी और खाई में जरूर गिर जाएगी। पहले तुम्हारी बारी है, चलना शुरू करो। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जाओ, अलविदा, शातिर परी, अलविदा। शातिर परी, चलना शुरू करो वरना हमें तुम पर वार करना होगा। जाओ, जाओ। लगेगा भी कैसे? मैंने तुझे मुर्गा जो बनने नहीं दिया, मुझे पता है तुझे ना मुझसे जलन हो रही है क्योंकि अब तुझमें अक्ल नहीं आएगी ना। अरे बॉस, नहीं चाहिए मुझे अक्ल। ये देखो, कल के आए हुए ये लड़के लोग आपको आपको चिढ़ा रहे। अरे हटो, तुम लोग की तो हटो। देखो बॉस, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी चिंता तू मत कर, जब मेरा मुर्गासन कम्प्लीट होगा ना और मैं जब ज्ञानी बन जाऊंगा ना तब इन विद्यों को अपने आप पता लग जाएगा, समझा? काका,
मोंटू बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? हदे रोहित, मेरा मुर्गा सन इतना परफेक्ट हो गया ना कि मुर्गी को मेरी भाषा समझ गई। अरे मोंटू बॉस, आप समझते क्यों नहीं, मानव महर आपको उल्लू बना रहे हैं। ऐसे अक्कल नहीं आएगी। आएगी, ऐसे अक्कल जरूर आएगी। अच्छा बॉस, अब तो आप ऐसे कॉक 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 करके थक 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 मतलब थक गए होगे ना। तो चलो पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा? आओ चल। नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगा तो मेरा मुर्गा सिर टूट जाएगा। आइडिया। तौबा तौबा, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। अविनाश्ती, कुछ कीजिए। सोच क्या रहे हो? तौबा तौबा, आगे बढ़ो। अरे खूब बढ़ो, मैं आगे ही। लगता मुझे कि लगाई मैंने छलांग तो कर जाऊंगा पार ये खाई शायद मैं। नीचे मत देखना वरना चक्कर आ जाएगा। Are you sure? कि आप ये बाजरी खाने वाले हो? हाँ, कुछ पानी के लिए कुछ खाना पड़ता है। तो मैं बाजरी खाने वाला हूँ। अरे खोना पड़ता है, खाना पड़ता है नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे बेवकूफ, मुझे कुछ खोना नहीं है, मुझे तो खाना है। You want to us? But tasty है ना बाजरी? आइए महाविनाशनी, अब आपकी बारी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप अच्छी परी बन चुकी हैं, तो आप इस सत्य समर्पण पहाड़ की खाई को पार कर लेंगी। और अगर आप अच्छी परी नहीं बनी हैं, तो इसका परिणाम तो आप खुद ही देख चुकी हैं। आइए। चल खींच, फोटो खींच, चल। मोंटू जी, मोंटू जी, मोंटू जी, ये लीजिए, आपने जैसे कहा था वैसे ही लिख के लाए हैं। एकदम वैसा। गुड वर्क, गुड वर्क। लेकिन ये किस लिए बॉस? ये मेरा अकलमंद होने का दूसरा ढासू आइडिया। जब मेरे दिमाग में पूरी तरह से अकल आ जाएगी, तब मैं प्रोग्राम रखूंगा और उस प्रोग्राम में ये ऐसे मिस वर्ल्ड की तरह पहन के आऊंगा और तभी लोगों को पता चलेगा
कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अकलमंद बन गया है। मोंटू, ये क्या नया नाटक है? What is this? छोड़िए, ये सब नाटक नहीं है। मैं अकलमंद बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए ही मैं मुर्गा बनाऊँ। अरे पर मुर्गा बनने से अकल नहीं आती। हाँ हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे, पर आपकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों का राज जानता हूँ। राज? कौन से राज? वो स्कूल का बिजनेस चलाने का राज। आप डफर बच्चों को मुर्गा बनाते हो, पर ये कोई पनिशमेंट नहीं है। आप बच्चों से मुर्गा सन कराते हो ताकि वो अकलमंद हो जाए। हाँ, और आपके स्कूल का नाम बढ़ जाए। पर ये सब आप उनसे छुपा कर रखते हो कि बच्चों को पता चला तो वो स्कूल छोड़कर घर जाकर मुर्गा सन करेंगे और अकलमंद बन जाएंगे और आपका स्कूल का बिजनेस ठप हो जाएगा। तालिया तालिया, क्या स्पीच दिए, वाह। चुप चुप, बन गया ना तालिया। और ये बिन चार पैर की ऊटपटांग बातें तुझे किसने बताई? हम लोग बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे डफर को इसलिए पनिशमेंट देते, इसलिए मुर्गा बनाते, ताकि तुम लोग डरो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? गधा कहीं का। अगर मुर्गासन करने से कोई अकलमंद होता तो मुर्गे साइंटिस्ट होते, राइटर होते, कलाकार होते, तुम जैसे दाना नहीं चुकते, समझे? और तुम लोग अपने अपने क्लास में जाओ। ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। यही तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी नहीं है। और बना मुर्गा कक 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 कक। नहीं 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 छोड़ूंगा उस वीडियो को। हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमें लगता है महाविनाशनी खाई में गिर जाएगी। काती परी, विजधार परी, लगता है महाविनाशनी अच्छी परी बन चुकी है, वरना अभी तक तो वो खाई में गिर चुकी होती। रानी परी, बाल परी, मैंने अपना सच्चाई और अच्छाई का प्रमाण दे दिया। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप हमारी परीक्षा दोबारा ले सकते हैं। नहीं महाविनाशनी, अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास है।
कि अब आप एक अच्छी परी बन चुकी हैं और हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करने के लिए तैयार है। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। मैं आपके इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। क्या बात है बालवीर, आपने महाविनाशनी का अभिवादन नहीं किया। क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? रानी परी, परियो, मैं जानता हूं कि महाविनाशी ने सत्य समर्पण परीक्षा पार कर ली, इसलिए आप खुश हैं। लेकिन मैं क्या बालवीर, मैं आप सबसे ज्यादा खुश हूं। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियो। मम्मी, मम्मी, मानव क्यों चिल्ला रहा है? कोई नहीं है घर पे, सब मंदिर गए। अच्छा मानव, जल्दी से रेडी हो जा। मम्मी ने कहा है कि डोर लॉक करके चाबी दीपिका आंटी को दे देने। मेर, फिर तो आज हम स्कूल ही नहीं जाते, आज हम घर पे ही बैठते हैं। क्यों? क्यों मतलब? ओ मैडम जी, आपने तो मोंटू को बोला था कि मुर्गासन करने से अकल आती है, पर अब तो उसे रियलाइज भी हो गया होगा कि हमने उसे सेकंड टाइम उल्लू बनाया, और ऐसे में अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेगा। मानव, तो क्या उसके डर के मारे हम यहीं घर पे बैठे रहे? ठीक है, आज बैठ गए, लेकिन कितने दिन बैठेंगे? आज नहीं तो कल उसे फेस करना ही पड़ेगा। अरे मेहर, कल का कल देखेंगे, आज तो बच जाएंगे। अरे इडियट, कैसी बात कर रहा है? उसे हमारे घर का एड्रेस नहीं पता क्या? वो हमारे घर पे आके हमारी बहन बचा सकता है। ओ नो, मैं दरवाजे तो बंद करना भूल ही गया, मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। भरोच गुजरात से केतन, दरभंगा बिहार से अर्पण मिश्रा, हरिद्वार उत्तराखंड से मनन बनर्जी, पनवेल महाराष्ट्र से केशव देसाई, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से गुरबख्श रांधवा, कोलकाता वेस्ट बंगाल से अभिषेक सरकार, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से गुलशन मौर्य और हरदोई उत्तर प्रदेश से नीरज गौतम ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं और साथ ही साथ उनके आज्ञा का पालन भी करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है हिमाचल प्रदेश से अनन्या और आरव ने। दोस्तों, अनन्या और आरव ने हमें लिखकर बताया कि जब वो अपने स्कूल से अपने घर जा रहे थे, तब रास्ते पर कुछ जरूरतमंद बच्चे लोगों का बचा हुआ खाना खा रहे थे। उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगा और इसलिए अनन्या और आरव उन सभी बच्चों को अपने घर ले गए, उन्हें खाना खिलाया और पहनने के लिए कपड़े भी दिए। बहुत अच्छे अनन्या, बहुत अच्छे आरव, आप दोनों के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों, अनन्या और आरव की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए सब tv.com पर।
क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।